हेलो गाइस, मैं पंकज बैकपैकर एक और नई ट्रिप के साथ। और अभी हम तीन दोस्त हैं इस ट्रिप पे मेरे साथ, अभिषेक और मद्दू, और हम जा रहे हैं मेघालय। तो अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी टर्मिनल वन पे। अभी हमारी जो फ्लाइट है वो 5:25 पे है इवनिंग में, और हमारी जो फ्लाइट है वो गुवाहाटी की है, और हम गुवाहाटी से फिर जाएंगे शिलोंग मेघालय। तो ये ट्रिप रहेगा हमारा मेघालय। फ्लाइट में हम बैठ गए हैं और सफ़र शुरू हुआ है दिल्ली से। अभी हम जा रहे हैं गुवाहाटी बाय कोलकाता, क्योंकि मद्दू ने टिकट बुक की है जो कि एक स्टॉपेज लेके जाएगी सस्ती। मद्दू हमारे सस्ते। और ये देखिए स्मार्ट नोट। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम मेघालय शिलोंग। रात के इस टाइम बज रहे हैं गाइस 2 बज रहे हैं। तो 11 बजे हम चले थे गुवाहाटी से, उसके बाद हम 3 घंटे के ड्राइव के बाद अब रात को पहुंचे हैं 2 बजे शिलोंग। और बिल्कुल शिलोंग यहाँ पर ये देख सकते हैं इस वक्त सब बंद। होटल सर्च करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी कोई बुकिंग नहीं की है। अभी बिल्कुल सुनसान, कोई है भी नहीं, क्योंकि जो हमारा कैब ड्राइवर था उन्होंने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया कि यहाँ पे होटल्स हैं तो आप सर्च कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे सब बंद है फ़िलहाल, सब सो रहे हैं। तो लेट्स सर्च द होटल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन शिलोंग मेघालय, 22 दिसंबर 2021। और अभी आज की शुरुआत हुई है बारिश के साथ। ये देखिए जैकेट भी भीग गया है और ओले गिर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी प्लान करें मेघालय में तो विंटर में ही करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। और सर्दी में भी इस वक्त बारिश हो रही है, तो गर्मियों का जो नज़ारा होता है रेनी सीज़न में वो बहुत ज़्यादा बारिश का रहता है। चेरापूंजी जैसा कि सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है हमारे इंडिया में, ये इस वक्त पुलिस बाज़ार जो शिलोंग मेन सिटी में है, मार्केट एरिया है पूरा। अभी ब्रेकफास्ट करने आए थे, अभी मेरे दो दोस्त चले गए हैं बारिश की वजह से। ये देखिए दिसंबर की बारिश शिलोंग में, सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। और आज हम होटल में ही रुके हुए हैं क्योंकि निकल ही नहीं पा रहे हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए कभी भी रेनी सीज़न में और समर में तो यहाँ आना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बारिश बहुत होती है मेघालय में। इस वक्त देखिए बिल्कुल मेघ, आप देख सकते हैं कितने काले बादल बारिश से भरे। होटल की विंडो से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी, क्योंकि होटल से निकल ही नहीं पा रहे हैं यार। ये बारिश का पानी, देखते हैं फ्रेंड्स जब बारिश रुकेगी तो बाहर निकलेंगे आउटिंग के लिए और फिर कुछ यहाँ के व्यू पॉइंट्स कवर करेंगे, बट होप सो बारिश रुके। फाइनली अभी बारिश रुकी है और मैं और मद्दू अब बाजार में घूमने के लिए निकले हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। हाँ, 4:30 बज गए हैं और दिन वेस्ट हो गया हमारा आज। जी बिल्कुल, पूरा दिन आज वेस्ट हुआ क्योंकि हम कहीं भी विजिट नहीं कर पाए, पूरा दिन होटल में रहे। और अभी हम मेघालय में आओ तो बारिश के बारे में जरूर सोचना एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मद्दू ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि यहाँ पे बारिश की वजह से कैसा पूरा एक दिन ख़राब हुआ। ओके, अभी हम यहाँ पे कुछ खाएंगे, उसके बाद देखते हैं जो स्पॉट अभी कवर कर पाए, चर्च और वाट्स लेक जो भी शिलोंग में है। अभी हम पुलिस बाज़ार में हैं मार्केट में। ठंड भी हो गई है बारिश की वजह से काफ़ी। ये पुलिस बाज़ार है शिलोंग का, यानी कि इट्स लाइक माल रोड ऑफ शिलोंग। काफ़ी चहल पहल है।
व्लॉग में हमारा स्पॉट यही रहा, क्योंकि आज पूरे दिन बारिश के बाद हम कहीं घूम ही नहीं पाए और अभी शाम क्या बल्कि अंधेरा हो गया है। तब अब हम कुछ खा के और अब इसमें पुलिस बाज़ार में घूम रहे हैं। इस पर शिलोंग का ये मेन जो मार्केट है वो यही पुलिस बाज़ार है और जो होटल्स वगैरह हैं वो सब भी आपको यहीं पे अवेलेबल होंगे। बस स्टैंड भी यहीं पुलिस बाज़ार में ही है।